think I might be late. Everyone is running here. वैसे थक चुका हूँ अभी, अभी भी और एक गेम है एंड दो दिन से इसे चल रहा है, रात को सो भी नहीं पाया है, बट इट्स फाइन, इट्स टोटली वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट। साल था 2018, कॉलेज का फाइनल ईयर शुरू ही होने वाला था, लेकिन एक भी ढंग का इंटर्नशिप नहीं मिल रहा था। नया कॉलेज था, हम लोग का फर्स्ट बैच था, किसी को पता ही नहीं था कि प्लेसमेंट्स में क्या होने वाला है, वेदर एनी कंपनी वुड विजिट आवर कैंपस और नॉट, वेदर वी वुड गेट एनी जॉब और नॉट, नो वन न्यू। घर वाले भी ज़्यादा बात नहीं करता था, दोस्त लोग भी बोलते रहते थे यार कोडिंग करके क्या ही फ़ायदा। लाइफ में टेंशन, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी का कोई कमी नहीं थी, लेकिन ठीक है, लाइफ तो लाइफ है, चलता रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, बचपन से ही मैं CR7 का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर मेसी भी बहुत पसंद है। उस साल पुर्तगाल और रोनाल्डो दोनों ही अच्छे खेले थे, पर राउंड ऑफ 16 में आके उरुग्वे के साथ मैच हार के बाहर हो गया। यार जिंदगी में दुख खत्म ही नहीं होती। उस साल फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हो रहा था, मेरे कुछ सीनियर्स गए थे, वो लोग तब शायद गूगल या अमेजोन में काम कर रहा था, मुझे फोटोज और वीडियोस दिखा रहा था और बोल रहा था यार कि कितनी अमेजिंग एटमोसफियर होती है इन सब मैचेस का, सामने से देखने वाले का मज़ा कुछ अलग ही होती है, क्योंकि ये जो फीफा वर्ल्ड कप होती है ना, ये बस एक स्पोर्टिंग टूर्नामेंट नहीं होती, एक पूरा जीता जागता फेस्टिवल होती है। मुझे भी बचपन से बहुत शौक था कि जो वर्ल्ड कप्स होती है ना, क्रिकेट या फुटबॉल, स्टेडियम से एक बार देखने का मज़ा तो ज़रूर लेना है। पर 2018 में उस टाइम पर जब मैं एक जॉब के लिए तड़प रहा था, अगर मुझे आके कोई ये दिखाता और बोलता कि 4 साल बाद तू यहाँ होगा, भाई साहब मैं उसको बोलता यार भग जा यहाँ से, और विश्वास करता भी कैसे। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली एंड टू बी एबल टू फुलफिल दीज ड्रीम्स वॉज नॉट ईजी। But when I got a decent job to sustain myself with the pandemic under control and FIFA announcing their plans to start selling tickets for the World Cup in Qatar, I thought it is going to be my best bet ever to catch the action live and fulfill one of my lifelong dreams. क्योंकि एक तो कतर एशिया में है, इंडिया के पास, जिसके मतलब सस्ती फ्लाइट टिकट्स, ऊपर ऊपर से ये रोनाल्डो एंड मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था, लास्ट डांस, क्या पता फिर इसके बाद शायद उन लोगों का भी खेलने दिखे ही नहीं। But there was one slight problem. Who's gonna accompany me to Qatar? Solo travel तो कभी किया ही नहीं, वो भी international. So it's like I went to my friends who were not on board with this. My dad and my family were not too keen either. फिर मैंने सोचा कि बार बार किसी के ऊपर अगर dependent रहूँगा ना, तो शायद सपने कभी पूरे ही नहीं होंगे। तो मैं बिना ज़्यादा सोचे समझे FIFA ticketing portal में अपने application submit कर दिया। And at the midnight of 31st May 2022, when I received this mail, I jumped in joy. यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ, वो भी अकेले। एंड गेस व्हाट, किसका मैच देखने जा रहा हूँ? पुर्तगाल। एंड उनका ओपोनेंट वही उरुग्वे। सो आई एम रेडी एज यू कैन सी एंड आई वुड बी हेडिंग ऑफ टू द एयरपोर्ट। अभी बज रहे हैं रात की 12 बजे एंड 3:30 AM इज माई फर्स्ट फ्लाइट टू शारजाह, फर्स्ट UAE में, एंड वहाँ पे स्टॉप ओवर है एंड उसके बाद यू वुड हेडिंग टू द सेंटर ऑफ एक्शन दैट इज दोहा इन कतार, एंड आई वुड बी टेकिंग यू थ्रू माय जर्नी, थ्रू माय लेंस यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थिंग इज ऑलमोस्ट डन, सब कुछ मैंने ले लिया इस बैग पे, बस डॉक्यूमेंट्स। सो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस गाय, द पासपोर्ट। Without this, you can't travel. तो पासपोर्ट मैंने भर लिया है, तो चलो कैब इज वेटिंग, लेट्स गो फॉर द बैंगलोर एयरपोर्ट, हियर वी गो। तो मुझे सस्ती फ्लाइट्स इंडिया से दोहा जाने के लिए मिला था बैंगलोर से, और मैच था 28 को, तो दोहा में ना वर्ल्ड कप के टाइम एकोमोडेशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो 26 को मैं कोलकाता से गया बैंगलोर, वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ मिला, फिर नेक्स्ट डे रात को बैंगलोर एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ा शारजाह के लिए। शारजाह में 2 घंटे के लेओवर के बाद हम चल पड़े दोहा की तरफ। सुबह की 9 बजे फाइनली दोहा पहुंचने के बाद मैं सीधा गया टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, वहां से इन्फो निकाल के मैंने थोड़ा बहुत दोहा की साइट सीइंग की। आई हैव रीच्ड कतार गाइस एंड इट लुक्स ऑसम,
Right now I'm in front of the airport, the international airport. I have some time right now, so I'm going to check out Doha. धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना गर्मी नहीं लग रहा है. सही है वेदर. लोग बोल रहे थे यार इतना खराब वेदर है. वेदर तो मुझे सही लग रहा है, बस थोड़ा ज़्यादा धूप है. आगे देखते हैं. एंड फिर 4 बजे होटल में चेक इन करके थोड़ा बहुत खाना करके मैं फ्रेश हुआ. एंड फिर अराउंड 5:30 बजे आई वॉज रेडी टू गेट गोइंग फॉर द मैच. मैं ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड का एक मैच देख रहा हूँ. एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट मैच जो है पोर्तुगल वर्सेस उरुग्वे का भी मैच देख रहा हूँ. एंड वेयर माय वेरी फेवरेट CR7 इज प्लेइंग इन दिस एंड वेरी इन दिस वेरी लास्ट वर्ल्ड कप. लायनल मेसी का भी लास्ट वर्ल्ड कप है, उसका भी टिकट्स मुझे चाहिए था बट मिला नहीं यार. बट ठीक है, चलो CR7 का मिल गया. 2 दिन के लिए दोहा में हो. मैंने दोहा में भी काफ़ी सारे जगह कवर किया है अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग दीज 2 गेम्स. बट वो मैं इस ब्लॉग में कवर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यार ये मैं ब्लॉग बस 2 मैचेस का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही बताऊंगा. अगर तुमको जानना है कि यार हाउ दोहा एंड कतर इज एज अ कंट्री एंड सिटी, देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैंने रील्स वगैरह डाल के रख दूंगा, तो वहाँ पे देख सकते हो. यार मैं तो व्लॉगिंग उतना अच्छा नहीं कर सकता हूँ एंड मैं व्लॉगिंग शायद करूंगा भी नहीं आगे जाके. मुझे व्लॉगिंग करना नहीं है एक्चुअली एंड इस चैनल में मुझे टेक ही रखना है. दिस इज जस्ट अ वन ऑफ वीडियो क्योंकि यार मेरे लिए ये जो मोमेंट है ना ये बहुत बहुत स्पेशल है. बहुत स्पेशल है ये मोमेंट क्योंकि मैंने बचपन में मेरा 2 ख्वाब था कि यार मुझे एक क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखना है एंड एक फीफा वर्ल्ड कप मैच देखना है. ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल तो अभी खैर अभी तक तो पॉसिबल नहीं हुआ है लेकिन देखते हैं. नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप है सो ऑब्वियसली कुछ प्लान्स तो है उसके अकॉर्डिंग. बट अभी के लिए फीफा वर्ल्ड कप, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर. एंड मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा यार, अभी जाएंगे स्टेडियम्स पे एंड मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइक मैच एक्सपीरियंस कैसा रहा. होपफुली आई एम एबल टू व्लॉग क्योंकि मैंने कभी व्लॉग नहीं किया यार. मुझे बहुत टेंशन हो रही है थोड़ा ऑकवर्डनेस होती है यार ऐसे लोगों के सामने व्लॉग करना. बट ठीक है, करेंगे. DSA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब तो चलता रहेगा बट थोड़ा बहुत डिफरेंट कंटेंट भी देख लो. कि एक फीफा वर्ल्ड कप मैच देखना जो हम टीवी में देखते हैं, ठीक है, एक दूसरी कंट्री में जाके एक फीफा वर्ल्ड कप मैच देखना कैसा एक्सपीरियंस होता है. और मैं देख रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट मैच, एक है ब्राज़ील का और स्विट्जरलैंड का मैच जो होने वाला है स्टेडियम 974 एंड उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताऊंगा उस स्टेडियम का. एंड नेक्स्ट मैच अगेन इज ऑन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेडियम, उसके बारे में आगे जाके बताऊंगा. लुज़ेल स्टेडियम में होने वाला है जहां पे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल भी होगा. क्रिस्टियानो रोनाल्डोस पोर्तुगल इज गोइंग टू प्ले उरुग्वे एंड एक रिवेंज मैच भी होगा पोर्तुगल के लिए. काफी इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि लास्ट टाइम राउंड ऑफ 16 में उरुग्वे ने पोर्तुगल को हरा दिया था एंड वी कुडंट सी मेसी रोनाल्डो क्वार्टर फाइनल. एनीवे अब निकलते हैं और देर नहीं करना क्योंकि अब तो मेरा लेट हो जाएगा. फिर यहाँ से काफी भीड़ होती है एंड मेरा पहला मैच ब्राज़ील का है तो आई हैव बीन टोल्ड दैट ब्राज़ील फैंस मेक अ लॉट ऑफ यू एंड ट्राई, तो इसलिए बहुत ट्रैफिक होती है, स्टेडियम में घुसना भी लेट हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट गेट गोइंग क्विकली एंड मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अपने साथ साथ लेके जाता हूँ यार. यहाँ पे मैं उठो अभी, I will board this bus and this will take me to the metro station and that will take me near to the stadium. So let's go. This is how beautiful Doha looks during night. All these beautiful buildings lighting up. Subah itna acha nahi lag raha tha but abhi kuch khaas hi lag raha hai. Main thoda zoom karke dikhata hu. It's really looking nice. I'm in a very famous place of Doha, that is Souq Waqif, and abhi like I just got off from the bus and right now I'm going for the मेट्रो स्टेशन. तो यहाँ से 2 स्टेशन है, वहाँ से स्टेडियम 974 बहुत ही पास है. सो आई विल टेल यू अबाउट द स्टेडियम 974. स्टेडियम 974 जो है इट हैज गॉट सम स्पेशलिटीज. आई थिंक आफ्टर द वर्ल्ड कप इज ओवर तो वो स्टेडियम पूरा डिसमेंटल हो जाएगा एंड वो पूरा शॉपिंग मॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो स्टेडियम जो है ना 974 कार्गो शिपिंग कंटेनर से बना हुआ है. इसके लिए उसका नाम है स्टेडियम 974 एंड उसके साथ साथ कतर का जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड है वो भी 974 है. एंड दैट व्हाट मेक्स द स्टेडियम रियली रियली स्पेशल टू दिस कंट्री. यहाँ पे ना मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था यार, जो मतलब ऑर्गेनाइज जैसे किया है ना बहुत ही सही है. मतलब हर जगह लोग हैं एंड गाइड कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं जो मैं कतर में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. ये देखो ये बंदा चिल्ला रहा है मेट्रो मेट्रो करके. बहुत ही सही है यार, बहुत ही सही ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह बंदा है एंड बहुत ही सही ऑर्गेनाइजेशन है. एंड यार सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है यहाँ पे, बसेस मेट्रो सिम भी फ्री दे रहा है, बहुत सही है. ये देखो ब्राज़ील का सपोर्टर और वो देखो वो स्टेडियम, ये है स्टेडियम 974. यहाँ पे हो गया ब्राज़ील वर्सेस स्विट्ज़रलैंड, लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, वो देखो
all Brazil fans. No side of Switzerland fans yet. But of all the games that I've seen, normally FIFA World Cup matches mein na aise one sided nahi hoti hai. Normally fans 50-50 ho jati hai. So Switzerland ka fans ko dekhi nahi dikha hai pata nahi, but shayad stadium mein jaake dikh jayega. So it's a very exciting feeling, honestly, yaar. Matlab first FIFA World Cup match, wo bhi Brazil ka. Wow, wow. Brazil versus Switzerland, gate number 21, block 435, C21, and ये है stadium. बहुत ज़्यादा Brazil का fans है and Brazil Argentina दोनों and Bangladesh में भी बहुत सारा fans है both Brazil और Argentina का. तो वहाँ से भी बहुत लोग आए हैं Bangladesh से. तो मुझे mostly Indians से जो दिख रहा है ना वो mostly Bengalis and Kerala से भी लोग दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा line हो चुका है. Oh my god, Brazil fans are storming here. Wow. Where are all the Switzerland fans, man? All I see is Brazil, Brazil, Brazil. Left the stadium a bit early because नहीं तो पोर्तुगल का मैच स्टार्टिंग मिस हो जाएगा. ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड वैसे ड्रॉ कर रहे हैं. आई थिंक 80 मिनट्स तक मैंने देख ही लिया है, अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है. आई मीन इट वॉज अ वेरी टफ मैच, बहुत एंड टू एंड मैच हुआ. ब्राज़ील का गोल हुआ था पर वो ऑफ साइड हो गया था. बट अभी मेरे पास है 1.5 hours एंड आई हैव टू गो टू लुज़ेल राइट नाउ विच इज द बिगेस्ट स्टेडियम एंड इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप फाइनल एंड दैट इज वेयर पोर्तुगल एंड उरुग्वे आर गोइंग टू प्ले ईच अदर इन अ क्रंच ग्रुप एच गेम. तो यार मुझे मेरे पास अभी लेस देन 1.5 hours है टू मेक इट टू द स्टेडियम. आई डोंट वांट टू मिस दैट मैच एट ऑल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ कतार वर्ल्ड कप बिकॉज एवरी स्टेडियम आर लोकेटेड इन वेरी स्मॉल इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर दैट यू नो हेल्प्स यू टू गेट कैच होल्ड बैक टू बैक गेम्स. किसी और वर्ल्ड कप में तो पॉसिबल नहीं होती है. एट मैक्स लाइक द फार्थेस्ट स्टेडियम्स आर अराउंड 30 kilometers अपार्ट विच इज लाइक प्रीटी डिसेंट. कैसी मेरे उन्हें गोल दे दिया है. ब्राज़ील 1-0 अप है, सो शायद ब्राज़ील ये गेम जीत जाएगा. वेरी हैप्पी फॉर ब्राज़ील, दे डिजर्व टू विन इट गाइस राइट नाउ. Oh, I'm thinking I might be late. I'm thinking I might be late. Everyone is running here. See. We sab bhag rahe hain. Business stadium aa chuke hain but yahan se kafi sare yahan se thoda aur zyada walk hai. We out to Brazil. And this is the stadium that is going to host the World Cup final on 18th of December. What a stadium this is. Oh.
This is an 80,000 stadium as compared to the 40,000 one in Stadium 974 Brazil wala. This is going to see even more crowd, and this is what this has got CR7 fans. So yeah, it's going to be mad crowd here. So this is Portugal. Yeah, but now, who's the family match? Yeah. Like more of closer view of the Luzia Stadium. Wow, it looks beautiful at night. रात में अलग ही लगता है, ये फाइनल होस्ट करने वाला है, 80,000 है, सबसे बड़ा स्टेडियम है कतर का। पोर्टुगल फ्लैग्स, वैसे थक चुका हूँ अभी, अभी भी और एक गेम है एंड आई मीन दो दिन से ऐसे चल रहे, रात को सो भी नहीं पाया है, कल भी ऐसा ही चलेगा क्योंकि कल भी रात को फ्लाइट है बट इट्स फाइन, इट्स टोटली वर्थ इट It's a lifetime experience, so for me it's fine. Icelandic glamour. People are with this camera in anticipation of a Cristiano Ronaldo goal. Here he is standing with the famous pose. Chalo yaar, kuch kar ke dikha. Are yaar. Pata hai kya hai? Score is still 0-0. Portugal 0, Uruguay 0. نتيجة الشوط الأول البرتغال 0، أوروغواي 0. Got very interesting towards the fag end. Let's see if Portugal can hold on to the lead or if Uruguay comes back. Number 7, Cristiano Ronaldo, replaced by number 26. So guys, it's a new day. I would be checking out of the hotel today. So आज ही last day है कतर में, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन थोड़ा कतर घूमने एंड मैं आगे तुम लोगों को बताता हूँ. तो ये है बस, ये लेके जाएगा मेट्रो स्टेशन. कल मैं थोड़ा शूट ज़्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत इंटेंस हो गया था मैच एंड फिर लाइक देन आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड. एक घंटा चलना पड़ा था मेट्रो के लिए, बस मेट्रो पकड़ने के लिए एक घंटा चलना पड़ा था बिकॉज इट वॉज 80,000 क्राउड लिविंग द स्टेडियम एंड नॉट रियली वेल मैनेज आई वुड से, बट ठीक है चलो कोई भी. एनी वे
उसके बाद तो मैं बहुत टायर्ड था तो मैं सो गया एंड आज मैं निकल रहा हूँ कतर से. सो आई होप द ब्लॉग अच्छा लगा. ये मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था ये शूट करना. बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई वुड लाइक टू शेयर माय टू लर्निंग्स विद यू गाइस. तो यार दो चीज़ मैं यहाँ से सीखा हूँ. एक तो यार कुछ भी हो जाए ट्राई टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना. मतलब वर्क हार्ड और वट एवर यूर डूइंग इन योर फील्ड, ट्राई टू एक्सेल इन दैट. जब तक यू वोंट बी वर्किंग हार्ड यू वोंट बी एबल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते हो, मतलब तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे किसी के ऊपर भी हो, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग टू बोथ द जेंडर्स ऑल्सो गर्ल्स, देन यू वोंट बी एबल टू नो फुलफिल योर ड्रीम्स. क्योंकि जो ड्रीम्स होती है ना वो हम लोग का होती है एंड उसके लिए दो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ऑल्सो एक चीज़ की यार हम लोग जब अपने ऊपर स्पेंड करते हैं ना तो हमें तो वो थोड़ा गिल्टी सा लगता है. जब हम दूसरों के लिए स्पेंड करते हैं हमें अच्छा लगता है. बट इट्स फाइन, आई मीन जस्ट गो अहेड एंड लिव योर लाइफ. दिस इज द टाइम मे बी आफ्टर यू हैव योर फैमिली यू वोंट बी एबल टू डू सो. एंड ऐसा नहीं है कि यार कि ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए. लाइक यू कैन डू बजट ट्रिप्स, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. थोड़ा हेक्टिक हो जाती है ट्रिप जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, बट इट्स फाइन, यू स्टिल विल लर्न अ लॉट. एंड मैं जब 6 LPA का भी जॉब करता था ना, फर्स्ट जॉब, वो भी पुणे में रह के, तब भी मैं बहुत जगह घुमा हूँ. आई वेंट टू दुबई ऑन अ वेरी बजट ट्रिप बाई प्लानिंग आउट थिंग. सो इट्स ऑल्सो प्लानिंग. ऐसा नहीं है यार कि मतलब यू हैव टू लाइक अर्न अ लॉट ऑफ मनी टू यू नो ट्रैवल. इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. बट हाँ, लाइक इफ यू आर अर्निंग वेल देन यू कैन ट्रैवल इन अ बेटर वे. लाइक यू डोंट हैव टू, ट्रिप डजंट नेसेसरी नीड टू बी हेक्टिक एंड यू कैन स्टे इन गुड होटल्स एंड स्टफ. तो वो चीज़ एक हो जाती है, बट स्टिल यू कैन डू इट. मैंने भी किया है. तो वो एक मेंटालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड ऑल्सो किसी के ऊपर डिपेंड मत करना. लाइक आई no one really wanted to you know come to this trip. They had their own problems, priorities, those family, everyone. I decided to go alone and you know make this trip happen and I'm very glad that I did. Like main to solo trip na kar nahi sakta. Like I need someone to accompany me and I know it's a problem with a lot of you guys. To yaar main yahi bolunga ki kar lo, because not everyone will be there with you to make your dreams come true and make it happen. So go ahead and enjoy it and live it. If you have someone then it's great, but if you don't have, don't worry, just go alone. बहुत experience होती है. So yeah, दो चीज़ यहाँ पे. घूमने के लिए हमेशा पैसा नहीं चाहिए होता है and it's okay. Like be independent. That's what I would say to everyone watching out. And if you want to take away something, be independent financially as well as mentally. Don't depend on someone to make things happen for you. That's it guys. अब next मैं अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर वो फील गुड फैक्टर आया तो लाइक कर देना. ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर देखना है कि दोहा कैसा है जहाँ पे मैं घुमाऊँ, क्योंकि मैंने नॉर्मली ब्लॉग में मैचे दिखाया, तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके चेकआउट कर लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगी, वहाँ पे सारे दिख जाएगा क्या क्या मैंने घुमा दोहा पे. एंड या वी विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ अदर कंटेंट, बट फॉर नाउ दैट्स अ गुड बाय फ्रॉम कतर. आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड टेक केयर एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन.